बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर फोर, लेसन नंबर वन, एंड द टॉपिक इज द पीपल ऑफ द ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब है खंदक, खंदक खोदना। सबसे पहले बिफोर रीडिंग एंड ट्रांसलेशन जो न्यू वर्ड्स हैं, हम इनके मीनिंग्स जो है इनको समझ लेते हैं, ताकि ड्यूरिंग द रीडिंग एंड ट्रांसलेशन जो है तो हमें समझने में आसानी हो। इनफाइटल, काफिर या गैर मजहब। बाय गॉन, गुजरा हुआ। सूद सायर, नजूमी। आइडेंटिफाइड, शनाख्त करना, पहचानना। फॉर टेलिंग, पेशन गोई करना, आने वाले वाकयात जाहिर करना। मंक, दरवेश, जोगी, आबिद। फ्रीक्वेंटेड, लगातार, अक्सर औकात या बार बार। प्रोसीडिंग, कार्रवाई, अमल या तरीक। अल्टीमेटली, आखिरकार, कतई तौर पर। परसिकॉशन, जुल्म व सितम, तकलीफ। सेक, वास्ते या मकसद। ऑकल्ट, नामालूम, दिखाई न देना। कीन, तेज भी इसका मतलब हो सकता है, शौकीन, आरजूमंद। प्रिवेंटेड, मना करना, रुकावट डालना। परटर्ब, बेचैन करना, बेकरार करना। बीस्ट, हैवान, दरिंदा सिफ्त इंसान। स्पिरिट, फैलना, बिखेरना। इंस्टेंटली, फौरन, उसी वक्त। पॉसेसेस, कब्जे में रखना, मालिक होना। कंसिडर्ड, तस्लीम करना, इजाजत देना या मंजूर करना। एप्रिहेंडेड, गिरफ्तार करना। डग, डग का मतलब है खोदना, कोई गड़ा वगैरह जो है तो उसको खोदना। फायरी, शदीद गर्म, आतिशनाक। इवेंचुअली, आखिरकार, अंजामकार। स्टीडफास्ट, मजबूत। स्प्रेड, बख्श देना। इंटेक्ट, बेजुबान, कामिल, जू का तुम। स्मिट, नुक्ते उरूज या बुलंदी। स्केप, बच निकलना। क्विवर, तीरदान। बो, कमान, झुकाओ। सुपरटोनियसली, तबई तौर पर। इनरेज्ड, गजबनाक होना, गुस्सा होना। ट्रेंचेस, खंदकें। रिनाउंस, छोड़ना, दस्तबरदार होना। फर्नेस, आतिशदान। इन्फेंट, छोटा बच्चा, शीरख्वार। पिट्स, गार, गड़ा, कब्र। फ्लैर्ड, भड़कना। इंस्क्रिप्शन, कुतबा, पत्थर कुंदाकारी, पत्थर पर जो है तो कुंदाकारी करना, उस पर कुछ लिखना। अब हम रीडिंग और ट्रांसलेशन करते हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। द नेम ऑफ द टॉपिक इज यूनिट नंबर फोर एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज द पीपल ऑफ द ट्रेंच। देयर वॉज इनफाइडल किंग हू लिव्ड इन बायगॉन टाइम्स। गुजरे वक्तों में एक बादशाह रहता था जो कि गैर मजहब था। ही हैड अ सूद सायर, और उसके पास एक नजूमी था। आर अकॉर्डिंग टू सम नरेशंस अ मैजिशियन, और कुछ मुसन्निफीन के मुताबिक जो है तो एक जादूगर था। द इनफाइडल किंग इज आइडेंटिफाइड एज द रूलर ऑफ यमन, और वो जो बादशाह था, गैर मजहब बादशाह जो था, वो यमन के बादशाह से जो है कि से मशहूर था कि वो यमन का जो है हुक्मरान है, इससे वो जो है तो उसकी शनाख्त थी। हिज नेम अकॉर्डिंग टू इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज यूसुफ दाहू नवाज, और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि एक सहाबी थे, उनके मुताबिक जो है उस बादशाह का नाम यूसुफ दाहू नवाज था। एंड ही लिव्ड अबाउट 70 इयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ अवर बिलव्ड प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो तकरीबन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 70 साल पहले जो है तो वो रहता था। द सूद सायर सेड टू द किंग, सूद सायर जो था, वो जो नजूमी था, उसने एक दफा बादशाह से कहा दैट ही शुड बी गिवन एन इंटेलिजेंट बॉय, कि बादशाह को उसे एक जहीन लड़का देना चाहिए, सो दैट ही कुड ट्रेन हिम इन द स्किल ऑफ फॉर टेलिंग आर द ब्लैक मैजिक, ताकि वो उसको जो है पेशन गोई करने में, आने वाले वक्तों के बारे में बताने के लिए, और काले जादू का जो है तो उसको माहिर बना सके। अकॉर्डिंगली, इसी के मुताबिक द किंग सेंट अ बॉय नेम्ड अब्दुल्ला इब्ने तामीर, और इसी के मुताबिक बादशाह ने एक लड़का जो है उसकी तरफ भेजा जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने तामीर, टू बी ट्रेन बाय द सूद सायर, और जिसे जो है उस नजूमी ने ट्रेन करना था। वेन एवर द बॉय वेंट टू हिज टीचर, और जब भी वो लड़का अपने उस्ताद के पास जाता था, ही हैड टू पास बाय अ क्रिश्चियन मंक, तो वो एक
ईसाई जो इबादत गाह है ठीक है उसके पास से जो मंक है दुर्वेश उसके पास से गुजरता था. ही फॉलोड द ट्रू रिलीजन ऑफ ईसा अलैहि सलाम और वो हजरत ईसा अलैहि सलाम के सच्चे मजहब की पैरवी करता था एंड वर्शिप्ड अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह ताला की इबादत करता था. सिंस द रिलीजन ऑफ ईसा अलैहि सलाम वाज अ ट्रू रिलीजन इन दोज डेज और उन दिनों में हजरत ईसा अलैहि सलाम का जो है मजहब जो है वो एक सच्चा मजहब था. द मंक वॉज इन फैक्ट अ मुस्लिम और वो जो दरवेश था वो दर हकीकत मुसलमान था. द बॉय सैट विद द मंक जो लड़का है वो दरवेश के पास बैठ जाया करता था एंड वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज टीचिंग और वो उसकी जो तबलीग थी उसको सिखाने का पढ़ाने का तरीका था वो उससे बहुत ज्यादा मुतासिर होता था. एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में ही फ्रिक्वेंटेड द मंक्स हाउस एंड सेट विद हिम फॉर लॉन्ग आवर्स बिफोर प्रोसीडिंग टू हिज टीचर. और इसके नतीजे में क्या होता था कि वो रोजाना जाकर उस दरवेश के पास जो है तो जाता था उसके घर जाता था और उसके पास कई घंटे गुजारता था और इसके नतीजे में जो है तो वो क्या होता था कि अपने टीचर के पास लेट पहुंचता था एंड अल्टीमेटली इम्प्रेस्ड इस्लाम और उसके बदले उसने जो है तो इस्लाम को कबूल कर लिया. अल्लाह तबारक ताला हैड ब्लेस्ड हिम विद सच अ स्ट्रॉन्ग फेथ और अल्लाह ताला ने उसको एक मजबूत ईमान से नवाजा था दैट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू बियर एनी पेन एंड प्रोसिक्यूशन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह तबारक ताला और वो अल्लाह की खातिर जो है हर किस्म का जुल्म सितम बर्दाश्त कर सकता था. हिज टीचर यूज टू बीट हिम फॉर कमिंग लेट और उसके जो उस्ताद थे उसको लेट आने पर मारा करता था. ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द ऑकल्ट टीचर और वो जब अपने टीचर से रुखसत होकर जाता था ही वुड स्पेंड सम टाइम अगेन विद द मॉन्क और वो दोबारा जो है कुछ टाइम उस दरवेश जो है इबादत गुजार के पास गुजारता था एंड यूज टू गो होम लेट और फिर जो है अपने घर वो देर से पहुंचता था. द फैमिली वुड देन बीट हिम अप फॉर बीइंग लेट और फिर उसके घर वाले उसको मारते थे लेट आने पर. बट ही वॉज सो कीन टू हैव द कंपनी ऑफ द मंक लेकिन वो बहुत ज्यादा इस चीज पर खुश था शौकीन था कि वो उस दरवेश के पास जो है बैठता था. दैट ही मैनेज टू सिट रेगुलरली विद द मंक विदाउट फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन और यही वजह थी कि वो बगैर किसी खौफ जुल्म सितम के खौफ को दिल में रखे हुए वो उसी तरीके से अपना टाइम जो है उस दरवेश के पास गुजारता था. थ्रू द ब्लेसिंग ऑफ दिस और इस जो है अल्लाह ताला की जो उसके ऊपर जो नवाजिशें थी इसके नतीजे में अल्लाह तबारक ताला हैड गिफ्टेड हिम विद मेनी मैरिकल्स करामात जिसे हम कहते हैं अल्लाह ताला ने उसे बहुत सारे करामात से नवाजा था. वन इट हैपन्ड दैट द बॉय सा दैट अ लायन हैड ब्लॉक्ड द पाथ एंड प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम पासिंग. उसने देखा कि एक शेर है जिसने कि लोगों का रास्ता रोका हुआ था और लोगों ने इस रास्ते से गुजर के जाना था और वो नहीं जा सकते थे. दे वर परटर्ब्ड और वो तकलीफ में थे. ही पिक्ड अ स्टोन एंड प्रेड उसने एक पत्थर उठाया और दुआ की ओह अल्लाह इफ द रिलीजन ऑफ द मंक इज ट्रू अगर उस दरवेश का मजहब सच्चा है देन किल दिस बीस्ट विद दिस स्टोन तो फिर इस हैवान को इस पत्थर के साथ मार दो सो देट पीपल मे पास ताकि लोग गुजर सकें एंड If the soothsayer is true और अगर ये नजूमी सच्चा है then the beast must not die with my stone और फिर ये हैवान जो है मेरे पत्थर से न मरे. So praying he aimed at the lion and died instantly. उसने इसी तरीके से दुआ पढ़कर जो है उस पत्थर को शेर के ऊपर मारा और वो फौरन से मर गया. द न्यूज स्प्रेड अमंग द पीपल और ये खबर जो है तो लोगों में जल्दी से फैल गई दैट द बॉय पॉसेसेस वंडरफुल थिंग के उस लड़के ने एक जो है तो हैरत अंगेज चीज की है और ये बात जो है तो पूरे शहर में जो है तो फैल गई. राइट डाउन ऑन योर नोटबुक जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं ठीक है इनको आपने समझना है और अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है. बाकी के लेसन की रीडिंग और ट्रांसलेशन जो है वो हम नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी उनके ऊपर हम जो है तो आपको देंगे. अभी क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर वन व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन वाज डिमांडिंग बाय द सूथसायर वो जो नजूमी था उसको किस किस्म का लड़का चाहिए था. आंसर है द सूथसायर सेड टू द किंग that he should be given an intelligent boy so that he could train him in the skill of foretelling or the black magic. Question number 2 what was the name of the boy
उस लड़के का नाम क्या था? आंसर, द नेम ऑफ द बॉय वॉज अब्दुल्ला इब्ने तामीर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई वॉज द किंग ट्राइंग टू किल द बॉय. आपने अभी तक ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा, लेकिन इसका जो है क्वेश्चन अगली स्लाइड में हम वैसे भी पढ़ेंगे, तो मैं पहले से आपको लिखवा देती हूँ. आंसर, द किंग ट्राइंग टू किल द बॉय बिकॉज द किंग वॉज इनफाइडल एंड डू नॉट वॉन्ट दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री रिनाउंस हिज रिलीजन. ठीक है, कि वो जो बादशाह था वो एक गैर मुस्लिम था, काफिर था, और वो नहीं चाहता था कि उसके मुल्क के लोग जो है उसका मजहब छोड़कर इस्लाम को कबूल करें, इसलिए वो उस लड़के को इब्ने तामीर को मारना चाहता था. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई वाज द बॉय इम्प्रेस्ड विद द मंक. वो जो दरवेश था, वो जो आबिद था, उससे लड़का इब्ने तामीर क्यों मुतासिर हुआ, उसके किस चीज से मुतासिर हुआ? तो आंसर है, द बॉय वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज टीचिंग. उसके जो पढ़ाने का तरीका था, उसकी जो तबलीग थी, उससे वो इब्ने तामीर बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था. क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ डिड द किंग किल द बॉय. बादशाह ने लड़के को कैसे मारा? आंसर, द बॉय हिमसेल्फ टोल्ड द किंग हाउ टू किल हिम. He told him to take an arrow from his quiver and place it in his bow. In this way, the king killed the boy. और इस तरीके से बादशाह ने जो है उस लड़के को जो है मार दिया, कत्ल कर दिया. लड़के ने खुद उसको बताया कि किस तरीके से उसको मारने, क्योंकि इससे पहले दो तीन तरीके से बादशाह ने उस लड़के को मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बचा दिया. बल्कि वो लोग जो कि उस लड़के को मारने के लिए बादशाह के कहने पर जाते थे, वो लोग मर जाया करते थे, लेकिन लड़का जो है अल्लाह के फजल करम से बच जाया करता था. क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ डिड द किंग थ्रेटन हिज नेशन. बादशाह ने क्या धमकी, किस तरीके से धमकी दी थी अपनी कौम को? आंसर, द किंग थ्रेटन्ड हिज नेशन बाय द अनाउंसमेंट मेड दैट पीपल शुड री अनाउंस देयर फेथ इन अल्लाह. कि लोग जो है अल्लाह के ऊपर से अपना ईमान जो है वो छोड़ दें. इफ दे रिफ्यूज, अगर वो इनकार करेंगे, दे शुड बी थ्रोन इन टू द फेरी फर्नेस, तो उनको जलती हुई भड़कती हुई आग में डाल दिया जाएगा. ये धमकी बादशाह ने अपनी कौम को दी थी. क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट हैपेंड टू दोज हु वर वॉचिंग दिस बर्निंग मुस्लिम इज अ फन. उन लोगों के साथ क्या हुआ जो मुसलमानों को बड़े फन के साथ, मजे के साथ जलता हुआ देख रहे थे? एंड द आंसर इज, द फायर फ्लेयर्ड अप सो हाई दैट इट स्प्रेड आउट वाइडली थ्रू द सिटी एंड बर्न्ड ऑल दोज हु वर वॉचिंग द फन ऑफ बर्निंग द मुस्लिम. वो जो आग थी वो बहुत ऊंची हुई और पूरे शहर में जो है फैल गई, इस हद तक कि वो सारे लोग जो मुसलमानों को जलता हुआ देखकर खुश हो रहे थे, वो सारे के सारे उसमें जलकर मर गए और राख हो गया. ये था हमारा यूनिट नंबर फोर का लेसन नंबर वन. लेसन नंबर टू में हम इस जो यूनिट को है तो कंप्लीट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में जो स्लाइड्स दी गई हैं उनके जो वर्ड्स मीनिंग जो आपको लिखवाए गए हैं, आपने अच्छे तरीके से पेज को प्रिपेयर करना है, यूनिट का नाम लिखना है, डेट को मैंशन करना है, इसके अलावा जो है तो उन वर्ड्स की मीनिंग को लिखना है. वर्ड्स मीनिंग के बाद ये जो आंसर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनको आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है. थैंक्स लॉट.